Hello to everyone. I hope you all will be fine. So welcome everyone. I hope you all are ready for today's lecture. So आज इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे. जी हाँ, आज इस लेक्चर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम को हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसका बेसिन कितना है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, इसकी मेन मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है, सभी कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन जिस तरीके से हर एक लेक्चर आपको हर दिन देखने को मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के हर एक मैप को देखेंगे, चाहे वो फिर इसकी लोकेशन हो, ओरिजिनेशन हो, या एक मेन ट्रिब्यूटरी की लोकेशन या मैप हो, हर एक चीज को हम यहाँ पे मैप से समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद जो मेजर रिवर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के, उनकी भी बात करेंगे, उनके सोर्स की बात करेंगे, उनकी लेंथ क्या है, उन सभी की बात करेंगे. देन आफ्टर यहाँ पे जो मेजर रिवर्स, इट मीन्स जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है, उन सभी की यहाँ पे बात करेंगे. अगर बात करें, बिफोर दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द इंडस रिवर सिस्टम इन हिमालयन रिवर सिस्टम. हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर से हमने यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम को कवर करा है. उसके बाद जो हमने कल ही फिनिश करा गैंग्स, आप उसको कह सकते हो गंगा रिवर सिस्टम, जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिनिश करा. काफी इंपॉर्टेंट, यहां तक आप सभी ने रिवर्स इन इंडिया के बारे में जाना. पहले हमने पेंसुलर रीजन के अंदर जितने भी रिवर्स हैं उन सभी दरियाओं की बात करी थी, रिवर्स की बात करी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से बात करी थी. और अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपने सच्चे दिल से, एक सच्चे भाव से इन लेक्चर्स को अटेंड करा है, एक यहाँ पे सीखने की लगन से आपने अटेंड करा है, तो आप अगर इनके नोट्स भी बना गए होंगे अभी तक, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस मिला होगा इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद, और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से नॉलेज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानने को मिले हैं. डियर लर्नर, जिस तरीके से हर एक लेक्चर को हम यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम की बात करें, इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, या जितने भी पेंसुलर रिवर थे जैसे नर्मदा, गोदावरी बात करें, इन सभी रिवर सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे मैप से समझने की कोशिश करी है. तो आज भी इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे ट्रिब्यूटरी की बात हो, इसके ओरिजिनेशन की बात हो, हर एक चीज़ को यहाँ पे हम मैप के थ्रू समझने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखो कितनी शानदार पिक्चर मैंने आप सभी के लिए लाई है. आई होप इस पिक्चर को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप सभी को पता है कि इसी रीजन के अंदर यहाँ पे आपको मानसरोवर लेक देखने को मिलती है. अब यहाँ पे मानसरोवर लेक जो है, या मानसरोवर जो रेंज है, या जो ग्लेशियर है, वहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंस, यानी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने को जरूरी है या क्यों याद रखना है, क्योंकि जब हमने इंडस रिवर सिस्टम की बात करी तो आपने देखा था जो इंडस रिवर सिस्टम है कहीं ना कहीं ये मानसरोवर लेक से निकलता है, और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट आपको मानसरोवर लेक या मानसरोवर आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम की एक मैन ट्रिब्यूटरी जिसका नाम सतलुज है, तो सतलुज के अंदर हमने देखा था कि वो भी मानसरोवर के 80 किलोमीटर दूर से निकलता है. इसका मतलब सतलुज और यहाँ पे अगर बात करें इंडस रिवर की बात करें, तो ये एक ही जगह के, इन एक ही लोकेशन से निकलते हैं, जो लोकेशन यहाँ पे तिब्बत के अंदर आती है. उसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, यहाँ से इसी मानसरोवर लेक के साथ ही यहाँ से एक ग्लेशियर है जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है. तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मानसरोवर से ये याद रखना है कि मानसरोवर के आसपास से ही यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बनता है वो बनना शुरू होता है, और इंडस रिवर सिस्टम भी यहीं से निकलता है, बनना शुरू होता है. उसके बाद यहाँ पे तिब्बत से होते हुए इसके अंदर, यहाँ पे तिब्बत के अंदर इसको यारलंग जंगपो के नाम से जाना जाता है, इसके नेम मैंने आपको लिखा है. उसके बाद यहाँ पे जंगमू के नाम से इसको जाना जाता है. देन आफ्टर जब ये भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इंटर करता है, जिस गा से इंटर करता है उस गा के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दो रिवर के, यानी दो ट्रिब्यूटरी के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है, वो भी मैं बात करूँगा. उसके बाद इसके अंदर आपको यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है वो भी हम बात करेंगे. उसके बाद जब वो बांग्लादेश के अंदर इंटर करता है, उस जगह का नाम है. उसके बाद बांग्लादेश के अंदर आपको यहाँ पे किस तरीके से इसका यहाँ पे स्ट्रीम्स डिवाइड होती हैं, उसके नाम चेंज होते हैं, मेघना रिवर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जमुना इसको कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर. तो इन सभी रिवर्स के हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं. अब यहाँ पे आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से क्या करनी है, अटेंड करनी है. और अगर आप इस वाली फोटो, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नोट्स के अंदर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा. अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे इधर से मानसरोवर लेक के साथ ही यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो बनना शुरू हो जाता है. उसके बाद यहाँ पे ल्हासा बात करें, सेंगपो इसको यहाँ पे तिब्बत के अंदर कहा जाता है, चाइना के अंदर इसका दूसरा नाम है वो भी देखेंगे, ल्हासा के नाम से जाना जाता है.
उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर इंटर होगा, यहाँ पे आपको सबन सिरी लोहत, यहाँ पे गवाहाटी के, यहाँ सुरमा रिवर, यहाँ पे मेघना, पद्मा, जमुना, किस तरीके से यहाँ पे पद्मा और जमुना के मिलने के बाद मेघना बनता है, इन सभी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ये रिवर सिस्टम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर बात करें गैंग्स की बात करें, जिसको गंगा रिवर सिस्टम भी कहा जाता है, तो ये भी आपने पहले देख लिया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे, जिसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे एक बड़ा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम यानी आपको देखने को मिलेगा, यानी एक सबसे बड़े लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो उनमें ब्रह्मपुत्र भी आता है। और अगर आपको पूछे कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो द नाइल रिवर आपको ये देखने को मिलेगा। अब आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और वो कहाँ पे है, तो ये आपको आज कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। उसके बाद बात करें इसको तिब्बत रीजन के अंदर किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको वहाँ पे मैप पे पढ़ा के भी समझाया था कि इसको यारलंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यारलंग सेंगपो, तो ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है। जैसे ही यहाँ पे क्या इंटर होता है, इंडिया के अंदर इंटर होता है और इसका दो नाम बन जाते हैं, क्योंकि मैंने अगर आपको रिवर समझाया तो देखो यहाँ पे आप इंडिया के अंदर जब ये इंटर करता है तो ये यहाँ से दो नाम इसके बन जाते हैं। एक तो इसको क्या कहा जाता है, एक तो इसको सियांग कहा जाता है, दूसरा इसको ध्यांग कहा जाता है जब ये इंडिया के अंदर इंटर करते हैं। और उसके बाद इन दो यहाँ पे सियांग और ध्यांग की बात करें, इन दोनों के कन्फ्लेशन से जो दो ये मैन ट्रिब्यूटरी, इन दोनों के मिलने से जो दिबांग और द लोहित भी आपको मैंने वहाँ पे मैप पे समझाया था, तो उसके बाद इस रिवर को क्या नाम जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर जाना जाता है। चाइना के अंदर इसको यरलंग क्या जाना जाता है, यरलंग संगपो नाम जाना जाता है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर जब ये इंटर करता है तो दो इसकी मैन ट्रिब्यूटरी होती है, एक सियांग और एक ध्यांग हो जाता है। और इसके बाद इन दिबांग और लोहित जो रिवर है उसको यहाँ पे मिलने से, देखो यहाँ पे मैं एक बार लोहित आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ये जब लोहित रिवर इसके साथ मिलता है उसके बाद इसको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब ये बांग्लादेश के अंदर इंटर करता है तो वहाँ पे उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जब ये इंटर करता है तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जमुना के नाम से इस रिवर को यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जाना जाता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करें, फाइनली इट मर्ज विद गंगा रिवर, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गंगा रिवर के साथ कहाँ पे ये मिलता है। बात करें यहाँ पे ये लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड्स को बनाता है, जो आसाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बात करें जहाँ पे ये बनाया जाता है तो यहाँ पे लगभग आपको 200 से ज़्यादा टापू यहाँ पे इस रिवर के अंदर देखने को मिलेंगे, जो 200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, यानी 200 किलोमीटर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। और उन्हीं आइलैंड्स में से एक यहाँ पे मौजली आइलैंड्स है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर, तो मैंने अभी तक 3-4 पेपर के अंदर इसको देखा है, जो यहाँ पे किस पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनता है और कहाँ पे कौन सी स्टेट के अंदर, आसाम के अंदर। तो काफ़ी ये वाला जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो मौजली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, वो स्टेट ऑफ आसाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट सिटीज देखने को मिलेंगी ब्रह्मपुत्र के साइड पे, जैसे डिब्रूगढ़, उसके बाद पासीघाट, नीमामती, तेजपुर और गवाहाटी, ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे 5 सिटीज देखने को मिलेंगी। चलो इनको भी यहाँ पे मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका पासीघाट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डिब्रूगढ़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नीमामती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तेजपुर इस वाली जगह पे आपको देखने को मिलेगा, गवाहाटी यहाँ पे आपको आसाम के अंदर देखने को मिलेगा, और अरुणाचल के अंदर यहाँ पे पासीघाट। इस तरीके से आपको एक बार स्टेट को देखना है और उसके अंदर ये फाइंड करना है कि डिब्रूगढ़ कौन सी स्टेट में है, नीमावती कौन सी स्टेट में है, तेजपुर कौन सी स्टेट में है, गवाहाटी कौन सी स्टेट में है। उसके बाद ये बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से इंटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें और इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, तो अगर आपको अभी तक पिछली स्लाइड के अंदर समझ नहीं आई थी फिर से एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा किसका ओरिजिन कहाँ से है। बात करें ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या है, जो ब्रह्मा का सन यानी सन ऑफ ब्रह्मा के नाम से इसीलिए इसका नाम पड़ा है। बात करें इसके टोटल लेंथ की बात करें 2900 किलोमीटर इसकी आपको टोटल लेंथ देखने को मिलेगी। ब्रह्मपुत्र रिवर की आपको टोटल लेंथ कितनी मिलेगी 2900 किलोमीटर, गंगा की आपको 2525 किलोमीटर यहाँ पे आपको गंगा रिवर सिस्टम की टोटल लेंथ आपको देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के सोर्स की बात करते हैं, जिस ग्लेशियर से इसका निकलता है, इसका नाम क्या है, चीमा यंगदंग ग्लेशियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीमा यंगदंग, क्योंकि ये चाइनीज नेम है, तिब्बत के अंदर यहाँ से उसका ओरिजिनेशन होता है और जहाँ से निकलता है इसको कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है, कैलाश रेंज से नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि कैलाश पर्वत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे ये कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। बात करें जहाँ से ये रिवर निकलता है उसकी एलिवेशन हाइट की बात करें तो लगभग आपको 5150 मीटर ये अबव सी लेवल देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे इसको ये मैंने आपको पहले ही मैप के अंदर समझाया था कि इंडस और सतलुज की बात करें तो जहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है, ये सोर्स है जहाँ से मानसरोवर के पास से ही यहाँ पे जो चीमा यंगदंग ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलता है, जो कैलाश रेंज के अंदर ही आता है। क्योंकि मानसरोवर की बात करें तो कैलाश या यहाँ पे इसको कैलाश रेंज के नाम से नाम जाना जाता है, तो कैलाश रेंज के अंदर से ही यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र रिवर भी पनपता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मरियम ला पास है, जो यहाँ पे क्या करता है, ब्रह्मपुत्रा को मानसरोवर से सेपरेट करता है। और बात करें मानसरोवर लेक से, यहाँ पे आपको इंडस और सतलुज देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मरियम ला सेपरेट्स यहाँ पे किसको, ब्रह्मपुत्रा को मानसरोवर लेक से सेपरेट करता है। इट मीन्स इसी साइड से आपको यहाँ पे मरियम पल्ला जो पास है वहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र रिवर की ओरिजिनेशन देखने को मिलती है। उसके बात करें ब्रह्मपुत्र, अगर बात करें तिब्बत के अंदर बात करें तो लगभग ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, ईस्टवर्ड्स इन सोर्टन डायरेक्शन में ये फ्लो करता है और 1800 किलोमीटर तक ये इसी डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड्स डायरेक्शन में बात करें यहाँ पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करता है, फ्लो करता है थोड़ा सा स्टीपी स्लोप के अंदर। बात करें इन तिब्बत बात करें तो यहाँ पे आपको इंडस सेंगपो के अंदर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चरल जोन देखने को मिलेंगे जो ग्रेटर हिमालयस के बीच में आते हैं, जिसकी बात करें ग्रेट हिमालयस के अंदर उसके जो सोदन साइड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा आपको ये कैलाश रेंज जो आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप कैलाश रेंज के नाम से भी जानते हैं, वो आपको इसके नॉर्दर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स अगर बात करें जो यहाँ पे इंडस या सेंगपो की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जोन देखने को मिलेगी, एक आपको ग्रेट हिमालयस देखने को मिलेंगे, दूसरा आपको कैलाश रेंज देखने को मिलेगा। इस तरीके से अगर सोत की बात करें तो सोदन साइड इसके आपको यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इसके नॉर्थ बात करें तो यहां पे आपको मानसरोवर या कैलाश रेंज के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें इंस्पाइट ऑफ एक्सेप्शनली हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पे आपको सभी को पता है कि माउंटेनियस रीजन है, ग्रेटर हिमालय का पोर्शन आता है, कैलाश रेंज आता है, तो आपको डेफिनेटली ये डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये माउंटेनियस रीजन है। अगर माउंटेनियस रीजन है तो इसके अंदर आपको जो सेंगपो है जिसको तिब्बत के अंदर जाना जाता है उसकी आपको यहाँ पे जेंटल स्लोप देखने को मिलेगी, जेंटल स्लोप इन द सेंस यहाँ पे आपको इस प्रकार की ज़्यादा स्लोप नहीं, इस तरीके की आपको जेंटल स्लोप देखने को मिलेगी। और बात करें यहाँ पे इसके वाटर की बात करेंगे, रिवर इज स्लगिश, यहाँ पे आपको काफ़ी धीमी गति से ये रिवर फ्लो होते हुए देखने को मिलेगा और यहाँ पे नेविगेबल चैनल भी यहाँ पे लगभग 640 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था नेविगेबल चैनल क्या होते हैं, ऐसे ही रिवर यानी जहाँ पे आप शिपिंग कर सकते हो, बोट को ले सकते हो, जिस एरिया में रिवर के बोट जा सकती है वो एरिया उस रिवर का नेविगेबल एरिया कहलाता है। बात करें इट रिसीव्स ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, मैंने जैसे पहले बात करी काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज ये रिसीव करता है। बात करें तिब्बत के अंदर पहले बात करें तो तिब्बत के अंदर भी छोटी मोटी या इसकी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसके अंदर मिलती हैं, जो इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी तिब्बत के अंदर मिलती है उसको रागा सेंगपो के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, ल्हासे दजोंग नाम है, यहाँ पे ल्हासे जोंग नाम है जहाँ पे संगपो रिवर के अंदर मिलता है और संगपो को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें द रिवर, यहाँ पे दूसरा रिवर का बात करें नगंगचू, यह इसका नाम क्या है, नगंगचू ये फ्लो करता है जो सेंटर ऑफ ग्यांटीसी, यहाँ पे एक रेंज आपको देखने को मिलेगा सोत साइड में आपको तिब्बत के अंदर जहाँ पे ये जो सेंगपो रिवर के अंदर ये ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे इसका नगंगचू नाम इस रिवर का जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्यांटीसी जहाँ पे रिवर को ज्वाइन करता है, और रिवर कौन सा, सेंगपो, जिसको तिब्बत के अंदर जाना जाता है और इंडिया के अंदर इसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बात करें टूवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी इन तिब्बत, जब ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत के अंदर इसकी जर्नी खत्म होती है, इट्स कोर्स एब्रेटली टेक्स ए साउथवर्ड, ये दो साउथवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे नमचा बारवा जगह का नाम है जहाँ से ये टर्न लेता है। और बात करें यहाँ पे इसके एलिवेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पे आपको 7756 मीटर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ से जो हिमालयस है, जो ईस्टर्न हिमालयस है, तो यहाँ से इस रिवर को दो स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड करते, एक ध्यांग आ जाता है और एक सियांग आ जाता है, जो मैंने आपको पहले बताई। ये आपको काफ़ी ज़्यादा डीप गॉर्जेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको दो रिवर यहाँ पे सेपरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब ये सादिया, एक जगह का नाम है आसाम के अंदर जहाँ पे ये पहुँचते हैं, वहाँ पे ये रिवर जो मैंने आपको पहले बताया था लोहित, ये लोहित रिवर यहाँ पे इसको ज्वाइन करता है। उसके बाद इसका नाम क्या जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स जानने को मिले। अब यहाँ पे बात करते हैं, बात करें, मैंने पहले कहा कि ये फ्लो करता पहले सियोंग के नाम से और ध्योंग के नाम से, ध्यांग के नाम से। बात करें इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आसाम वैली की बात करें, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जिसका मैंने बात कर दिबांग या इसको सिकैंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न साइड पे आपको लोहित रिवर देखने को मिलेगा जो सोदर्न साइड से यहाँ पे फ्लो करता है। बात करें यहाँ पे फ्रॉम द नॉर्थ आपको यहाँ पे सियांग दिबांग देखने को मिलेगा, फ्रॉम द साउथ आपको यहाँ पे लोहित रिवर देखने को मिलेगा। बात करें फ्रॉम सादिया, जहाँ आसाम वैली के अंदर ये सादिया एक जगह का नाम है, उसके आगे यहाँ पे ये जो माइटी रिवर बन जाता है, काफ़ी विशाल दरिया बन जाता है, जिसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम वेयर द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो वहाँ पे आपको जगह का नाम सादिया ये याद रखना है। बात करें इसकी दो मेन स्ट्रीम्स की बात करें, जब वो मिलती है वहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर बनता है। आप सभी को मैंने बताया इसके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स या ट्रिब्यूटरीज मिलती है। जैसे बात करें सुबन सिरी की बात करें, ये मैंने आपको पहले बताया, कैमिंग की बात करें, धन सिरी की बात करें जो नॉर्दर्न साइड, या राजैक की बात करें, या तिस्ता रिवर की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको ये तिस्ता रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोहित आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिलते हुए देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ तक आप सभी के लिए। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को ये समझ आ गया होगा। बात करें यहाँ पे तिस्ता की बात करें, तो जो तिस्ता है इसको TEESTA के नाम से भी जाना जाता है, लिखा भी जाता है, और TIST के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है जो पहले गंगा में होती थी, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। काफ़ी यहाँ से अच्छी बात जानने को मिलेगी, क्योंकि जो तिस्ता रिवर था वो पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी, लेकिन जब 1787 के अंदर फ्लड आया था, जिस फ्लड के बाद इस रिवर ने अपने कोर्स को, अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, और यहाँ पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन हो गई थी इसको, जो बाद में ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर मिल गया था। तो तब से यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा की एक मेन ट्रिब्यूटरी बन जाती है। बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की बात करें, तो यहाँ पे इसका आपको ब्रेडेड चैनल देखने को मिलेगा। लगभग आपको इसको यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं देखने को मिलेगी इस रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरकनेक्टेड चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे इसके अंदर आपको मिट्टी की डिपोजिशन काफ़ी देखने को मिलेगी, सिल्ट डिपोजिशन काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे जैसे ये आसाम से पास होता है, तो यहाँ पे जो ये रिवर है, ये जो चैनल है, ये क्या करता है, लॉट्स ऑफ सिल्ट को कैरी करता है, और यहाँ पे मैनेजरिंग प्रोसेस बनता है, जिसके कारण ये रिवर डेप्थ ऑफ, यानी आप बात करें वाटर को या डेप्थ किसकी को कम होती है। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैप है, जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इसको समझ भी पाएंगे। मैंने कहा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो कैलाश रेंज है, वहाँ से आपको ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट देखने को मिलता है। उसके बाद इसको यारलंग संगपो चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर इसको जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस के अंदर आता है, तो यहाँ से इसको दो रिवर के अंदर बंट जाता है, एक दिबांग और एक सियांग यहाँ पे इस रिवर के अंदर बंट जाता है। जैसे इसको लोहित रिवर यहाँ पे मिलता है, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको भूरी दियांग देखने को मिलेगी, यहाँ से आपको सुबर्णसिरी देखने को मिलेगी, यहाँ से आपको कैमिंग देखने को मिलेगी, यहाँ से आपको धनसिरी देखने को मिलेगी, कैपिली देखने को मिलेगी, मानस रिवर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, संकोश रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रदियाक रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जलधाका रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तिस्ता रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे फिर बांग्लादेश के अंदर जैसे ही इंटर करती है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे जो गंगा है, जब गंगा यहाँ पे आती है तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे जमुना और पद्मा ये दो जब मिलती हैं तो इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। बात करें इस रिवर की बात करें, रिवर इज नियरली 16 किलोमीटर अगर बात करें, ये वाइड है कहाँ पे, डिब्रूगढ़ के अंदर, जहाँ पे ये आइलैंड को फॉर्म करता है, और उस आइलैंड का नाम क्या है, मोजली। ये तीसरी बार मैं इस पॉइंट इन स्लाइड्स के अंदर बता गया, क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इट इज़ 90 किलोमीटर लॉन्ग, ये 90 किलोमीटर लंबा है, मेजर्स 20 किलोमीटर यहाँ पे इसकी चौड़ाई, और आपको लंबाई इसकी 90 किलोमीटर देखने को मिलेगी। विद रेनफॉल कंसनट्रेटेड अगर बात करें, मानसून के अंदर जब रेनफॉल होती है
तो बात करें इस रिवर की, बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको वाटर की क्वांटिटी देखने को मिलेंगे। अगर मैं हिमालयन रिवर की बात करूं तो हिमालयन रिवर के अंदर यहाँ पे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये तीन ऐसे रिवर हैं जो इंडिया के अंदर 60% वाटर को कैरी करते हैं। तो इस तरीके से जब यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ये पानी जब फ्लड को कॉज करता है और फ्लड के साथ आपको यहाँ पे सिल्टिंग देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टोरियस फ्लड को, काफ़ी भयंकर फ्लड को कॉज करता है। और इसीलिए ऐसा रिवर जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लड आते रहे, इसीलिए इस नाम, इस रिवर को सच में क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ सोरो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट रिवर भी बन जाता है कि कौन सा रिवर यहाँ पे रिवर ऑफ सोरो के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र रिवर को यहाँ पे रिवर ऑफ सोरो के नाम से जाना जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बात करें इस रिवर के नेविगेबल एरिया की बात करें तो लगभग इसका 1384 किलोमीटर जो है इसका आपको नेविगेबल एरिया देखने को मिलेगा। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ तक ओनली। तो डिब्रूगढ़ तक यहाँ पे आपको उसका एरिया इतना देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये बेंड हो जाता है कहाँ से, जो सोत व डायरेक्शन के अंदर जब बेंड होता है, कब होता है, जब ये बांग्लादेश के अंदर इंटर करता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये बेंड हो जाता है जब ये कहाँ पे जमुना के नाम से जाना जाता है, और ये अब जब कहाँ पे मीन्स बांग्लादेश के अंदर इंटर कर देता है, और जिस जगह से ये बांग्लादेश के अंदर इंटर करता है उसका नाम यहाँ पे धुबरी एरिया है, जहाँ पे इसके पास में ही ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर करता है बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इट फ्लोज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर, 270 किलोमीटर तक ये आगे फ्लो करता है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। जब इसके साथ गंगा जब मिलती है, कहाँ पे मिलती है, गोलंदा घाट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोलंदा घाट ये एक नाम है जहाँ पे बांग्लादेश के अंदर गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा यानी जमुना रिवर यहाँ पे इसके अंदर मिलते हैं। अब यहाँ पे जमुना और यहाँ पे गंगा कहाँ पे, यहाँ पे गोलंदा घाट पे मिलती है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं आपको समझने की कोशिश करें। ये मैंने आपको सभी बता दिया, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है, ये मैंने आपको सभी पहले बता दिया। तो इस तरीके से भी आपको मैप देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो यूनाइटेड स्ट्रीम होती है, जैसे जमुना और गंगा की जो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गंदोला घाट, यानी ये मैंने आपको अभी बताया कि कौन से घाट पे मिलती हैं, सो गोलंदा घाट पे ये मिलती है। और गोलंदा घाट पर जैसे जमुना और गंगा का कन्फ्लेशन, संगम होता है, उसके बाद इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से आपको जानने को मिल रहे हैं। बात करें ये 105 किलोमीटर आगे फ्लो करती है, ये बात करें पद्मा रिवर की बात करें, डाउन स्ट्रीम द पद्मा जॉइंट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ, यहाँ से एक और रिवर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट बैंक से, यहाँ पे इसको मेघना रिवर ज्वाइन करती है। पद्मा को लेफ्ट बैंक से यहाँ पे मेघना रिवर ज्वाइन करती है। और ये जो कहाँ से आता है मेघना रिवर, जो माउंटेनियस रीजन ऑफ आसाम से निकलता है, तो यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर इसको यहाँ पे जाके 105 किलोमीटर जब पद्मा रिवर यहाँ पे कहाँ से गंदोला घाट से आगे फ्लो करता है जहाँ पे गंगा इसको मिलती है, उसके बाद यहाँ पे 105 किलोमीटर मीन्स आगे जाने के बाद इस रिवर की लेफ्ट बैंक साइड से एक रिवर जो जिसका नाम मेघना है, जो आसाम से निकलता है, इसके अंदर मिलता है। फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ पद्मा एंड मेघना, जैसे ही पद्मा और मेघना का कन्फ्लुएंस मिलाप होता है, संगम बनता है, इस रिवर को मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पद्मा नहीं या दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी ब्रॉड ऐश्वरी भी देखने को मिलेगी, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जब ये वाटर मिलता है, मर्ज होता है, पोर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ तक आप सभी ने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोमांचक बातें थी जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थी। इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर आप सभी को जानना होगा, मैंने डिस्कस कर दिया है, अगर जानना हो तो अगली लेक्चर के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर कमेंट में एक बार मेंशन कर दें कि इफ़ यू आर ईगरली यू नो वांटिंग दैट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दिस ट्रिब्यूटरीज इन वेरी ब्रीफ मैनर, सो दैट यू विल नेवर हैव एन सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको आपके प्रिपरेशन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। तो ये मैप मैं आपको फिर से रेकमेंड करूँगा, इस मैप को अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको याद कर सकते हैं, और इसको जब मैं स्क्रीनशॉट नहीं तो नोट्स के अंदर आपको जब शेयर करूँगा तो उसके आप लेके समझने की कोशिश करें, इनको समझेंगे तो आप पूरे मैप को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दैट वॉज टूडेज लेक्चर, आई होप आज के लेक्चर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, और मैंने उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जनरली फोकस करा है और हर बार करता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक अहेड, एंजॉय योर टाइम। और अगर अभी तक भी आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं करा, लेक्चर को लाइक कर दें,
अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर करें। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव